भाई छोटा सा सीन हमारे साथ में कुछ ऐसा सा हो गया है। तो भाई यहाँ अभी अपनी बर्गर कॉफी और सामने मोमो चल रही है। तो भाई अभी आया नहीं है नगर कीर्तन, अभी आने वाला है, पीछे ही है हमारे से अभी। तो भाई सीन ऐसा है, अभी अपने घर से निकल के आ गए हैं समोसे लेने के लिए। अभी समोसे ले रहे हैं, फिर बताता हूँ स्टोरी। वही यहाँ आ गए अपने समोसे, ये टांग दी हमने और अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो वही बाहर जाम लग रहा था, अपने अंदर गलियों गलियों से जा रहे हैं। तो ये आ गए अपने गुरुद्वारे वाली गली में और आगे रास्ता बंद है, तो यहाँ से अपने सीधा निकलेंगे। यहाँ लोहड़ी की सेलिब्रेशन चल रही है भाई, अभी अपने भी करेंगे कुछ, अपने पास में पड़ा होगा सामान, काम जाम देखते हैं कुछ बनाएंगे आज, बाकी चलते हैं मेरे घर। तो ये हम भी लोग बना रहे हैं, वैसे कुछ लोग ऐसे ज़बरदस्ती पीछे पड़ जाते हैं। हाँ तो भाई स्कूटी अपने ने अंदर कर दिया, ये अपने ने सामान निकाल लिया है। और मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि आज तो सबसे पहले लोहड़ी है, तो आपको मेरी तरफ से हैप्पी लोहड़ी। और इससे पहले वाली वीडियो में मैं ये बता रहा था कि ये जो बजाने वाले होते हैं, ढोल बजाने वाले, ये लोग कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ जाते हैं, और मतलब जब तक इनको पैसे नहीं दोगे ना तब तक ये छोड़ेंगे नहीं, तो वो वाला सीन है इनका। ऐसा है कि सामान वामान लेके आ गया, समोसे वगैरह ले लिए अभी, तो थोड़ा सा घर पर चलते हैं, मूवी का सीन देखेंगे कुछ, अगर बाहर का प्लान बनेगा तो। मूवी का प्लान सोच रहे हैं कि मूवी हो आते हैं, बंद हो गई। मूवी का प्लान सोच रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 9, तो अभी कोई प्लान बनेगा तो देखेंगे। बाकी अभी लोहड़ी का फंक्शन भी करना है नीचे, बाकी भी देखते हैं, जैसा भी होगा आपको बता देंगे। तो भाई सीन ऐसा है, जल्दी जल्दी में प्लान बन गया है एक मूवी का, टाइम ऑलरेडी हो गया है 9:45 और 9:55 का शो है, और एक्चुअली विकासपुरी वाला PVR लिया है और वो है भी दूर, तो अभी मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, मेरे को 10-15 मिनट लग जाएंगे, थोड़ा सा इंट्रो छूट जाएगा हमारा, मेरे को ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि 9:47 हो गए ऑलरेडी। और पहले एक बार पहुंचते हैं आपको, फिर मिलते हैं उधर। तो भाई छोटा सा सीन हमारे साथ में कुछ ऐसा सा हो गया है कि वो टाइम देख लो भाई, एक मिनट ज़रा, 9:51 और अभी हम निकले घर से, तो मुझे लगता नहीं पहुंच पाएंगे, बाकी देखो क्या होता है। तो भाई टाइम हो गया है 10:10 और अपने पहुँच गए हैं, अभी पार्किंग की टिकट लेनी है, देन फिर ऊपर जाके देखते हैं। वैसे तो डंकी मूवी देखने आए हैं, काफ़ी मतलब हो गया टाइम, लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी दिसंबर के आसपास में, तब देखी नहीं थी, तब टाइम नहीं लगा, तो अभी आए हैं देखने, अभी पर्ची कटाते हैं भाई से, फिर चलते हैं अंदर। तो भाई ये आ गई अपनी टिकट, अभी चलते हैं अंदर, पहुँच गए PVR, हमें अंदर एंट्री मांगते। तो भाई पीछे चेकिंग वगैरह करा के अब आ गए हैं, स्क्रीन नंबर 3 में जाना है भाई, लेट हो गया भाई आज तो। चलो तो भाई यहाँ अभी अपनी बर्गर कॉफ़ी और सामने मूवी चल रही है, अभी इंटरवल के बाद का सीन है, उसके बाद में आपको बताएंगे कैसी मूवी है। अभी फ़िलहाल बर्गर आ गया, खोल के निकालते हैं इसको, ये कॉफ़ी है। तो भाई ये रहा अपना बर्गर, बर्गर का साइज़ बहुत बड़ा है, और अभी खा के बताते हैं कैसे है। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 1 और अपने जा रहे घर, मूवी देख के अपने निकल चुके हैं, बाकी अभी मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल मूवी कैसी थी। तो भाई अपने थोड़ा सा लेट चल रहे हैं मूवी के लिए, इसके लिए डंकी मूवी थी, लास्ट ईयर ही लॉन्च हो गई थी, बट अपने गए नहीं कुछ रीजंस की वजह से, टाइम भी नहीं लग पा रहा था, तो आज टाइम था, लोहड़ी का फंक्शन भी था, तो उसके साथ में थोड़ा सा शाम को इन्जॉय वगैरह करके थोड़ा बहुत अपने निकल गए थे, तो रात का इंस्टेंट प्लान बना एकदम से, तो टिकट बुक कर ली थी, तो अपने निकल गए थे। बाकी टाइम अभी 1 बज रहे हैं, 9:55 का शो था हमारा, बहुत बढ़िया मूवी है, मतलब डंकी के ऊपर में आया, मतलब जैसे लोग इलीगली जाते हैं बाहर, तो उसके ऊपर भी बेस्ड है, अच्छी मूवी है, अगर आपके नियर बाय सिनेमा में है तो भाई आप जाके देख सकते हो, मेरी तरफ से थम्स अप है। तो बाकी अभी घर चलते हैं, फिर आगे का सीन देखते हैं, जैसा भी होगा आपको बताएंगे, तो चलो घर चलेंगे। भाई इतनी तगड़ी धुंध हो रही है ना, मतलब यहाँ से इस गाड़ी के आगे बाद में कुछ नहीं नज़र आ रहा, और
और अभी तो थोड़ा बहुत मतलब जैसे फ्लाईओवर के नीचे तो नज़र आ रहा है, बाकी अभी दूसरे खुले रोड पे तो भाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। भाई विजिबिलिटी चेक कर लो, 0-0 एकदम खत्म। देखो डिप्पर मार रहे भाई तो जाके कुछ थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। अभी ये वाली साइड पे ऊपर लाइट लगी हुई थी, उसके बाद में तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, मतलब इतना ब्लाइंड स्पॉट कर दिया बिल्कुल। तो भाई ये देख लो सब्जी मंडी का सामान आना शुरू हो गया अभी से, और अपने भी घर पहुंचने वाले हैं यहाँ से। एक तो धुंध भाई बहुत ज़्यादा वाली धुंध हो रही है, मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अभी यहाँ से कम अपने को लगेगा कम से कम 10 मिनट और लगेंगे। नहीं धीरे धीरे जा रहे हैं आराम से मस्ती मारते हुए। बाकी यार दोस्त जो थे अपने वो घर चले गए वहीं से ही, तो वो थोड़ा सा कैमरा शाही है, मतलब ऐसे आता नहीं है। थोड़ा सा ना एतराज़ सा करते हैं कि भाई व्लॉग व्लॉग में मत डालो उनको ऐसे, तो थोड़ा सा उनको आदत नहीं है, तभी धीरे धीरे आदत डाल रहे हैं। मिलवाएंगे आपको सारे दोस्तों से, ऐसा सर्कल ऐसा है ना कि मतलब आते नहीं है साले कैमरे में, थोड़ा सा शर्माते हैं। अभी जो दूसरा भाई है मेरा वो तो आ जाता है, लेकिन वो बोलता है भाई पहले बता दिया करो, तो उसको पहले बताना पड़ता है कि भाई व्लॉग में लूँगा, तब कहता है भाई मैं तैयार व्यार होके आऊँगा, तो उस हिसाब से फिर उसको लेता हूँ मैं। बाकी जो दूसरे दोस्त है अभी उनको बोला हुआ है, तो अभी थोड़ा सा कहते हैं भाई थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बात कोई बात नहीं भाई जब रेडी हो जाओगे तब बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए मैं व्लॉग वगैरह मैं ऐसे कम ही लेता हूँ दोस्तों को। बाकी भाई अपना उसके साथ भी प्लान बनाते हैं छोटे बड़े दोनों वाले के साथ में, उनको ही बोला कोई सैटरडे संडे का प्लान, संडे का प्लान बनाएंगे, सैटरडे तो ख़त्म ही हो गया, कल का देखते हैं अगर कल का कोई प्लान बनेगा तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट संडे तो आई है अपने पास में। बाकी जैसा भगवान को मंजूर और जैसा प्लान बनेगा आप बता देंगे भाई। लोगों को रात को भी चैन नहीं है, देख रहे हो भाई दिल्ली है भाई दिल्ली। बाकी ये बल्ब बल्ब पता नहीं किस चीज़ के लगा रखे है भाई। बाकी अपने भी घर पहुँच गए हैं, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। तो वही अपना थोड़ा सा पपलू कट गया, अपने आए थे ये वाले कैफे, ये वाला एक जावा शायद से कैफे ट्री करके है, तो अभी यहाँ पे आए थे तो ये तो पड़ा है बंद। तो एक कैफे और देखा था वो अश्विन सिंह टेक्यार भाई का HYVD, उसका टाइम 12 बजे तक का ही था, तो अभी तो टाइम हो रहा है 1:30 कम से कम, तो इसका टाइमिंग एक्चुअली 2 बजे तक का था, तो ये भी बंद पड़ा है। तो भाई एक्चुअली ओनर जो थे वो सरदार भाजी थे, तो मैंने उनसे बात बात करी तो बोल रहे भैया आज एक्चुअली लोड़ी का फंक्शन था तो इसलिए जल्दी बंद कर दिया। बाकी भैया ने बताया कि एक और शॉप है उनकी यहाँ पे तिलक नगर में, तो भैया बोल रहे कोई बात नहीं आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको बढ़िया से ट्रीट करेंगे हम। बाकी सीन अभी ऐसा कि घर तो हम पहुंच गए थे ऑलरेडी, बट फिर रास्ते में चलो ठीक है चलो कुछ खाने निकलते हैं, बट किस्मत ने कुछ और ही लिखा हुआ था हमारी, क्या करें। अभी फ़िलहाल सीन ऐसा है कि जनकपुरी में हैं अभी, तो अभी घर जा रहे हैं, तो देखेंगे फिर अब कुछ अगर खाने पीने को मिलेगा घर पे, नहीं तो फिर सो जाएंगे ऐसी और क्या। तो भाई ओ हेलो सॉरी घड़ी तो मैंने उतार दी है, तो टाइम अभी फ़िलहाल 3 बज रहे हैं और घर अपने आ गए थे 2 बजे के आसपास में। एक्चुअली ब्रदर का कॉल आ गया था तो वो ज़रूरी था अटेंड करना, तो पहले वो कर रहे थे। तो अभी फ़िलहाल सीन ऐसा है कि भूख बहुत तेज़ लग रही है, तो अभी बनाएंगे कुछ मैगी शैगी तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि शाम को हम ऑलरेडी खा चुके हैं मैगी, तो सारी की सारी मैगी ख़त्म है। तो अभी देखते हैं कुछ ना कुछ बनाएंगे, फिर उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला व्लॉग मैं कल के उसमें ही मतलब कल के दिन में ही कंटिन्यू करूँगा। तो फ़िलहाल अभी कुछ खा लेते हैं तो फिर सो जाएंगे, फिर आपको मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय। The next day। तो भाई टाइम हो रहा है 8 और अगले दिन की शुरुआत क्या ख़त्म भी होने वाली है, क्योंकि एक्चुअली पूरा दिन आज घर पे ही थे, तो बेसिकली दोपहर में गए थे मार्केट में थोड़ा बहुत सामान वगैरह लिया वहाँ से, फिर उसके बाद में आके घर पे एडिटिंग वगैरह में लग गए थे, थोड़ी बहुत देर आराम किया था हमने, फिर उसके बाद में अभी निकल रहे हैं एक्चुअली अंकल आंटी के घर में प्रोग्राम है तो वहाँ पर जा रहे हैं, तो तुम्हारा भाई एकदम रेडी हो गया है तो निकलते हैं। एक्चुअली आज नगर कीर्तन भी है तो देखते हैं, शायद हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटी है कि जाम वगैरह मिलेगा हमको, तो देखते हैं कि शायद दूसरे रूट से डाइवर्जन पकड़ के जाएंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा जाम के अंदर से निकलना पड़ेगा। बाकी फ्लाईओवर तो खाली मिलेगा अपने को। बाकी सीन ऐसा है कि टाइम हो चुका है ऑलरेडी हमारा, तो अभी हम निकल रहे हैं तो चलो चलें। तो भाई अभी आया नहीं है नगर कीर्तन, अभी आने वाला है, पीछे ही है हमारे से। अभी एक्चुअली थोड़ी देर पहले अपडेट आया था मोती नगर के आसपास है, तो अभी ये तिलक नगर वाली रोड है, यहाँ से जेल रोड तक जाएगा,
देखो अभी शायद अगर वापस में मौका लगेगा तो आएंगे। तो भाई वो चांद देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अभी अभी नज़र गई मेरी तो सोचा आपको भी दिखा दिया जाए। तो अभी रेड लाइट पर खड़े हैं। तो भाई सीन ऐसा है कि अपने पहुंच गए हैं, गाड़ी अपने ने लगा दी है और टाइम हो गया ऑलमोस्ट 8:30 और अभी हम पहुंच गए हैं। तो ये लंगर बनाया था तो ये लंगर भी लेके आए हैं। अभी चलते हैं, गेट बंद कर अपनी दूसरी कार ढक के रखा हुआ है प्रेशर कुकर के। तो समझ रहे हो कौन सी होगी, गेस करना, गेस करना कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी है। ओके अभी चलते हैं, पहुंच गए हैं। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, प्रोग्राम से तो हम घर आ गए थे तो अभी नगर कीर्तन की साइड पे आ गए। अभी दिखाता हूँ गाड़ी मैंने लगा दी है ये सामने भाई। अभी आया मैं नगर कीर्तन में दिखाऊँगा, अभी आपको रोड के पास में तो पहुँच गया हूँ, अभी देखते हैं अंदर चल के। लखनऊ तो वहाँ से होके अब हम आ गए हैं और बाबा जी के दर्शन कर लिए, प्रसाद हमने ले लिया, प्रसाद गाड़ी में भी रख दिया है। तो अभी देखते हैं, शायद बंगला साहब गुरुद्वारे जाने का प्लान बन रहा है। तो अभी तो सारा रास्ता क्लियर हो गया ऑलमोस्ट, तो देखते हैं हो आएंगे 1 घंटे में। बाकी चलो जैसे भी होगा आपको बताएंगे। तो भाई चलते हैं, अभी टाइम तो हो रहा है 11:12 बजे तक हम लोग वापसी आ जाएँ। देखो बाकी एक दो यार दोस्त को भी फ़ोन मारता हूँ कि अभी तो फिलहाल 1-2 बंदे ही हैं, बाकी देखते हैं यार दोस्त अगर इकट्ठे होंगे तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, अकेले होएंगे क्या दिक्कत है। वीडियो मैंने दिखाई है आपको, अभी गुरुद्वारे से निकले ही थे तो एक्चुअली बैरिकेडिंग वगैरह लगी हुई थी तो वहाँ पे रोक लिया था, पूछ रहे थे कहाँ से आए हो, तो उनको बता दिया गुरुद्वारे से आए हैं। तो अभी वीडियो वगैरह तो उस टाइम बना नहीं पाए, मिल जाता हमको भी थोड़ा बहुत मिर्च मसाला अला अदर ब्लॉगर्स की तरह, बाकी कोई बात नहीं अपने तो छूट गया ऐसी। बाकी अभी घर जा रहे हैं, टाइम हो रहा है 12:30, अभी घर चलते हैं फिर आपको मिलते हैं। तो भाई फिलहाल टाइम हो रहा है, अरे सीरी क्यों आ गया भाई, हैं इट्स 1:08 AM। चलो कोई नहीं, फिलहाल 1:08 हो रहे हैं और घर अपने आ गए हैं। गुरुद्वारे गए थे हम 12 बजे के अराउंड, तो बाबा जी के दर्शन कर लिए थे, थोड़ी देर वहीं पे अंदर बैठे रहे थे। फर्श बहुत ठंडा था भाई साहब, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाला ठंडा, मतलब एक तो फर्श वैसे ही ठंडा था, ऊपर से ठंडा ठंडा पानी और गहरा हुआ था तो भाई उसमें तो चलना बड़ा मुश्किल ही था। बाकी कोई बात नहीं, जैसे तैसे मैनेज करके हमने कर लिया। तो उसके बाद में हमने
क्या कुछ ज़्यादा कुछ घूमे नहीं, तो बंगला साहिब गुरुद्वारे गए थे दर्शन करके, अपना फटाफट से घर आ गए थे। बाकी बीच में चेकिंग हुई थी थोड़ी बहुत, तो वह चेक पोस्ट पर रोक लिया था, तो वही था, बाकी कुछ इतना खास था नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अभी तक तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।